नशा तस्करों को पकड़ने के लिए खन्ना पुलिस काफी मुस्तैद रही है, जिस वजह से पहले भी कई विदेशी नशा तस्करों को खन्ना पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आज भी खन्ना की सदर पुलिस ने एक नाइजीरियन महिला को 450 ग्राम हेरोइन सहित पकड़ने का दावा किया है। खन्ना के DSP दीपक राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बताया कि एक नाके के दौरान महिला से शक के आधार पर पूछताछ करने पर उससे 450 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। DSP के अनुसार यह हेरोइन जलंधर की एक यूनिवर्सिटी में लेकर जा रही थी। महिला पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ जारी है। श्री गुरु दिशा निर्देशों क्रिश्चियन मॉल पर एक बड़ी स्ट्रोंग नाकाबंदी की जा रही है। काफ़ी महीनों का उत्तर काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर नाकाबंदी की हुई थी तो चौंकी इंचार्ज कोर्ट जगजीत सिंह ने गोविंदगढ़ शहर तो आँदी एक बस की जो रोकना चाहे तो एक नाइजीरियन औरत जिसका नाम जिलियन अबंग है पिछली ताकी उतर के गोविंदगढ़ शहर में जान लगी तो उसनों शक के आधार पर काबू करके उसकी तलाशी लैन से 450 ग्राम बरामद हुई है, जिसनों पूछगिछ करते पता लगे कि यह दिल्ली साइड तो आई सी तो जलंधर LPG यूनिवर्सिटी जा रही थी। इसी चीज़ का इशारा करता कि ये नाइजीरियन ने इतने टूरिस्ट वीज़ा या होर अलग अलग वीज़ा लैके ये काम कार इतने कर रहे हैं। इस संबंधी खन्ना पुलिस में बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। तकरीबन 24-25 के करीब नाइजीरियन फड़े जा चुके हैं जिन्हों तो काफ़ी हैवी रिकवरीज हुई हैं तो उम्मीद है अगे भी होंगे रहने। ये कहने मुताबिक यदि पूछगिछ है कि यह जलंधर LPG यूनिवर्सिटी जा रही थी। देखो कोई भी मुलजम कभी भी इस चीज़ को एक्सैप्ट नहीं करता, असलियत कोई भी मुलजम कभी एक्सैप्ट नहीं करता, पर पुलिस वालों जी भी कारगुजारी की सही की सही रिकवरी है तो जिस पास आता उस पास पत्रकार दिखा जाता। इस संबंधी इस तो रिमांड में पूछगिछ करा कि कौन कौन उसे खरीदा अगर या कौन कौन कंज्यूम कर। ब्यूरो रिपोर्ट SM1 न्यूज़।